Hi, this is Tej Sapru and you're watching me on Tele Reporter. क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने कभी प्ले किया ही नहीं हरियाणवी. थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डिक्शन के, उससे छोटे छोटे जो सह तय हैं होते हैं मिस हो जाते हैं, तो फिर वापस से सुन के कि जहाँ गड़बड़ की उसको ठीक कर लेता हूँ. लेकिन कैरेक्टर में प्ले करने में मज़ा आ गया. ऐसा डेडली कैरेक्टर मैंने अरसे के बाद टीवी पे किया है. फिल्मों में तो खैर चलता रहता था कुछ. एक्टिंग एक्टिंग तो बस जब सीन आता है तो हम कर ही लेते हैं, फिर चेंजेस ऑन स्पॉट कर लेते हैं. तो डायलॉग्स भी करते करते हो ही जाता है. एक टीचर थी हमारी, रखी हुई थी, जो बता देती थी ये जरा आप, मैं बोलता था एक बार आप पढ़ लीजिए, तो जब वो पढ़ती थी तो जो जो छोटी 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 चीज़ें जो दिमाग में रख लेते हैं फिर वो कर लेते हैं. और कहीं मिस भी हो जाए तो फिर सुन के इमिजिएटली मैं बोलता हूँ ये लाइन फिर से ले लूँ, ये मैंने ठीक नहीं बोला. सबकी ज़िंदगी में ये एक ही है जिसने किसी की ज़िंदगी नहीं छोड़ी, तो सबकी ज़िंदगी में तबाही यही मचाता रहता है. यहाँ तक कि अपने घर वालों की भी, बीवी को भी ऐसे ही रखा है उसने. दो नाजायज बेटे हैं वो भी घर में रहते हैं, हाँ, लेकिन उनको भी मतलब बापू नहीं बोलने देता, बोलते ताऊ जी बोलो. तो ये कैरेक्टर बड़ा पागल कैरेक्टर है, तो करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. ना ना, ना अभी क्या, अभी 43 ईयर्स हो गए, 300 फिल्में, ऑल शोज मतलब सोनी क्या अपना स्टार प्लस जब इमेजिन था तब वो, और अपना कलर्स का तो मेरा ये तीसरा शो कंसेक्यूटिव शो है. इससे पहले था दिल से दिल तक, एकदम सुपर शो जो दादा और पोते की कहानी थी, सिद्धार्थ वाज प्लेइंग माय पोता, गॉड ब्लेस हिज सोल, अभी नहीं रहा वो. तो उससे पहले था सम्राट अशोक, वेर आई प्लेड सेल्यूकस नेकेटर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर. और ये मेरा तीसरा शो है कलर्स के लिए. कलर्स हैज बीन अ वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स. हाँ ऑब्वियसली, पहले हम लोग जब करते थे, मैंने ऐसा नहीं, जब मैं फिल्में कर रहा था खूब, उसके बीच बीच में मैं कभी कभी शोज करता था, और वो भी मैंने डीडी के भी किए हैं. तो उस टाइम क्या था ना, खाली प्लेन एंड सिंपल हम लोग बड़े बड़े शॉट्स मतलब दो दो पेज के मतलब ऐसी ट्रॉली की मूवमेंट से कर लेते थे, एक ही शॉट में पूरा सीन. लेकिन अभी क्या है, थोड़ा डिटेल टेकिंग होती है, ज़रा बेटरमेंट है, और मतलब फुर्सत के साथ करते हैं अभी जमा टिका के. पहले थोड़ा सा टेलीविजन का ये था, अभी टेलीविजन का लेवल कहाँ चला गया. आई कैन से इट्स पैरेलल टू द फिल्म लाइन, फिल्म्स. सी मैं केरला गया ही नहीं. हाँ सी, केरला जाता है हरफूल और माई, तो शादी वहीं से करता है, करके वहाँ से शादी करके आता है. तो मैं तो ये साइड वाला था ना, हरियाणा वाला. मेरा तो ये था कि पहले आए नहीं, ये शादी कैसे करेगा सारा, ये पहले था. लेकिन जब शादी होके आ जाता है तो बोलता है ये तो गड़बड़ हो गई पूरी. अब एक स्टेज आती है कि बोलता है साला उड़ा भी दूंगा मैं, ऐसा है. मैं इसको तो चैन से बैठने नहीं दूंगा जब तक जमीन मेरे पास नहीं आती वापस. तो ये वो कैरेक्टर है. तो बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो मुझे शायद गालियां भी देंगे, लेकिन गालियां देंगे तो अच्छा होता है सुना. मतलब गालियां देंगे तो लगेगा कि काम मैंने ठीक किया है. नहीं, बट घर पे वो नहीं आती, उसको तो निकाल दिया है, अलग रहते हैं उन लोग. क्योंकि अपना इसके जो हरफूल का जो फादर था हरबीर, वो मेरा बड़ा भाई था, तो उसको डेथ के बाद इनको वो अलग कर देता है, अलग घर भी दे देता है. मतलब उन लोग बिल्कुल अलग ही रहते हैं, इसके साथ नहीं रहते. तो उसका यहाँ ऐसा कनेक्ट होना तो मुश्किल है. हाँ वो शादी करके जब आ जाती है तब कन्फ्रंटेशन होगी वो, क्योंकि ये अंगूठा छाप है. वो इसको बोलती कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो काउंटर देने के लिए वो समझा. साउथ इंडियन, अब क्या है कि साउथ इंडियन से मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन है. मेरी मदर जो थी हेमा जी, वो शिट्टी थी. मैंने भी शादी की है, मेरी वाइफ धनलक्ष्मी वो भी साउथ की है. लेकिन मुझे दोनों ना मदर की लैंग्वेज आई ना बीवी की लैंग्वेज आई, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन बट. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ चारों लैंग्वेज मैंने कर ली, और मतलब पाँच पाँच सात सात फिल्में की हैं हर लैंग्वेज में. जब वहाँ करता हूँ तो मैं बराबर पढ़ के बोलता हूँ एक एक लफ्ज़. हालांकि वो आता नहीं है लहजा, लेकिन डायलॉग्स पूरे बोलता हूँ.
तो मेरे डबर को वहाँ का जो लोकल डबर जो हायर करते हैं उसको तो पूरा लिप सिंक मिलता है मेरा एक एक डायलॉग का। तो होता है ऐसा, क्योंकि अगर 13 भाषाएं, हाँ मराठी हुई, पंजाबी हुई, बंगाली हुई, गुजराती हुई, ये सब मैंने खुद डब की। हाँ नहीं, बट इसमें तो दोनों साइड से ओके होके आता है ना, डिफरेंस नहीं है। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को पहले नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बट फिर जब माई यहाँ से हरपुल की मदर और उनके माँ बाप दोनों हाँ करते हैं तो ये मिल के आता है। अब वो अलग अलग दो हैं तो वो बॉन्डिंग स्लोली 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 कैसे होती है इनकी, इनमें प्यार कैसे जागता है। सो दैट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग वे ऑफ यू नो, कि लड़की का इसकी तरफ आना, प्यार बढ़ना। इनका तो शादी के बाद का प्यार हो गया ना, तो वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली हाउ शी स्टार्ट्स लाइकिंग हिम, दैट इज़ अनदर गुड ब्यूटिफुल, वो एक अलग से सिलसिला है इसका। व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा जी, देखिए जैसे इतना सालों प्यार दिया आपने मुझे, मेरे कैरेक्टर को, और ये शो को आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर ये शो एक हिट होता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है पूरी टीम को, एंड आई थिंक यू विल लाइक दिस।